तो आज का टॉपिक है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1962 में एज अ गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो गोइटर है, गोइटर डिसीज कंडीशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए 1962 में स्टार्ट किया गया था। जो गोइटर है वो जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर जो T3 T4 हैं, तो उन सारे जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं उनकी इम्बैलेंस की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है, और इसकी वजह से उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गोइटर जो डिसीज कंडीशन है वो कॉज होती है। तो जब भी जैसे कि आयोडीन युक्त नमक की कमी आती है, तो इसकी वजह से T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया बाय द गवर्नमेंट, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ये जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया 1962 में, जिसमें क्या किया गया था कि सर्वे किए गए थे जो भी आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी कि जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीजेज़ हो रही हैं उनमें सर्वे करके देखा गया था। इसके बाद जो नॉर्मल साल्ट है उसको रिप्लेस किया गया था आयोडाइज्ड साल्ट से। तो जो गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है उसको पहले तो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जब भी ये जो डिसीज कंडीशन है वो कंट्रोल नहीं हुई इन द 30 ईयर, तो आफ्टर 30 ईयर इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया इन द 1992 में, जिसका नाम रखा गया था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें कि एक एम रखा गया था कि जो गोइटर कंट्रोल है, यानी कि जो गोइटर डिसीज कंडीशन है उसको कंट्रोल किया जाए बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ, यानी कि जो नॉर्मल साल्ट है उसको रिप्लेस करके आयोडीन साल्ट से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयोडीन साल्ट मिल सके, आयोडीन युक्त साल्ट मिल सके। और जो भी जैसे कि जो फीटर डेवलपमेंट हो रहा है वोम में, तो अगर उनमें आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी इनहिबिट होता है, यानी कि ठीक तरह से नॉर्मल जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो गोइटर है, यानी कि गोइटर जो आयोडीन अगर नहीं है प्रॉपर साल्ट में, तो इसकी वजह से डीपनेस भी देखी जाती है बच्चों में, बहरापन भी देखा जाता है, या फिर अनदर जो माल फंक्शनिंग देखी जाती है बच्चों में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन द वोम। तो इसलिए क्या किया गया, जो मदर्स हैं उनको भी आयोडाइज्ड साल्ट दिया गया, जिससे कि जो बेबी हैं उनमें प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन मिल सके उनको, जिससे कि उनका डेवलपमेंट ठीक से हो सके। तो इनमें सर्वे किया गया पहले तो कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, इसके बाद नॉर्मल साल्ट को रिप्लेस किया गया आयोडाइज्ड साल्ट से, इसके बाद था आफ्टर 5 ईयर, यानी कि एवरी आफ्टर 5 ईयर, हर 5 साल के बाद क्या किया गया, जो आयोडाइज्ड साल्ट है उसका एवेल्युएशन किया गया कि कितने अमाउंट में मैन्युफैक्चर हुआ है और कितने लोगों को तक जो आयोडाइज्ड साल्ट है वो पहुंच चुका है और कितने लोगों का इसका लाभ मिल चुका है। इसके बाद था हेल्थ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी लोग हैं जहाँ भी जो आयोडीन की कमी से जो भी डिसऑर्डर, यानी कि गोइटर डिसऑर्डर जो वहाँ पर कॉज हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की गई कि अगर आप नॉर्मल साल्ट की जगह आयोडाइज्ड साल्ट लेंगे तो इससे आप में आयोडीन की जो डेफिशिएंसी से जो घेंगा रोग हो रहा है, जो गोइटर की कंडीशन देखी जा रही है, तो इसको कम किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट, और उन लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई इस बारे में। नेक्स्ट इसका एम था कि इनसफिशियंट आयोडीन इन फीटस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि जो भी डेवलपमेंट की टाइम पर जो भी फीटस को नहीं मिल पा रहा है साल्ट, जिसकी वजह से डिसऑर्डर देखे जा रहे हैं, माल फंक्शनिंग देखी जा रही, उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, और एक नॉर्मल जो बेबी को डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट आयोडाइज्ड साल्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आयोडाइज्ड साल्ट का वितरण करना है, जिससे कि लोगों को आयोडाइज्ड साल्ट मिल सके और इसकी वजह से क्या हो सके, जो गोइटर की कंडीशन है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट था IDD मॉनिटरिंग सेंटर्स इन, यानी कि जो 18 ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर क्या किया गया था IDD, यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए क्या किया गया था, सेंटर मॉनिटरिंग सेंटर्स को जो स्टार्ट किया गया था, जिससे कि जो भी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिसऑर्डर कॉज हो रहे हैं, यानी कि जो गोइटर की कंडीशन कॉज हो रही है, उसको क्या किया जा सके, टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जा सके, और जो केस बढ़ रहे हैं उनको रिडक्शन किया जा सके उनका, और जो डिसीज कंडीशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके, और लोगों को जो है प्रॉपर हेल्थ के लिए, यानी कि उनकी प्रॉपर हेल्थ का प्रमोशन करना है और उनकी
नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए क्या किया गया था, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन दी 1992 में स्टार्ट किया गया था, जो कि पहले इसका नाम था गोइटा कंट्रोल प्रोग्राम इन दी 1962। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको और सारे नोट्स मिल सके। थैंक यू।